नमस्कार दोस्तों, और मैं संजीव कुमार, और मैं आज आपको बताऊंगा गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और मेरे पास सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 5, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का बराबर दिया है 35, तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करना है। तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता है x और y। जब हमें x और y के मान पता होंगे तब हम 1/x प्लस 1/y का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड मैथ से रिलेटेड आपको वीडियो डेली ही मिलते रहेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 35 है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे x और y के मान ज्ञात करेंगे। हमें क्या करना है, हमें x और y के ऐसे मान रखो जिनको हम जोड़ दें तो हमारा 5 आ जाए, ठीक है। और उन x और y का क्यूब अगर निकालें और उन क्यूब को अगर जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाए, 35 आ जाए। तो ऐसे कोई दो मान आपने माइंड में सर्च कीजिए जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए। तो मैं आपको बताऊं, वो मेरा पहला मान है, अगर हम x के जगह पर 3 रख दें और y के जगह पर 2 रख दें, ठीक है। यदि x के जगह पर हम 3 रख दें, x के जगह पर कितना रख दें, 3, और y के जगह पर अगर हम 2 रखें, देखते हैं कि ये जो है मान हमारे सही हैं या गलत हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सही हैं या गलत हैं, इसके लिए हम इसमें मान भरेंगे। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो मेरा मान जो है सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पर कितना रखना है ये मैं बता देंगे, इसको x प्लस वाई बराबर 5 था और x के जगह पर रख देंगे हम 3 और प्लस y के जगह पर रखेंगे 2 बराबर 5। इसका मतलब वाई बराबर मतलब 5 बराबर 5 आ गया। ये तो यहाँ पर तो इसमें तो हमारा ये सही फिट हो रहा है, लेकिन अब इन हम इस वाले में भी मान भर के देखेंगे। तो क्या दिया है, x की पावर 3 और प्लस y की पावर 3 बराबर 35 था, ठीक है। तो x का मान हमने कितना रखा है, 3, तो 3 का क्यूब प्लस y के जगह पर 2 रखेंगे, कितना रखना है, 2 क्यूब बराबर 35 ही आना चाहिए। और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 9 = 27 प्लस 2 का क्यूब होता है 2 × 4 और 4 × 8 बराबर 35। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जो जोड़ देंगे तो हमारा योगफल कितना आएगा, 35 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो हमने मान रखे हैं x बराबर 2, जो हमने मान अभी रखे हैं x बराबर 3 और y बराबर 2, ये मान बिल्कुल सही है। यही मान हम किस में रख देंगे, 1/x प्लस 1/y के जगह पर रखेंगे, जो भी मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, इस सवाल को उतारता हूँ, 1/x प्लस 1/y। अब हमें क्या करना है, इसमें x और y के मान पुट कर दीजिए। x का मान हमने कितना रखा था, इसके जगह पर x के जगह पर हमने रखा था 3 प्लस y के जगह पर रखा था 2। अब क्या करेंगे, इसके एलसीएम हम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके एलसीएम कितने हैं, 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे, पहले तो हम 2 से काट देंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे, 3 तो कटेगा नहीं, 2 × 2 3 से कट जाएगा, तो 2 × 3 = 6। एलसीएम हमारा कितना आ गया, इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 6, कितना आ गया, 6। तो एलसीएम हमारा हो गया 6। इसके बाद क्या करना होता है, जो पहली परिमेय संख्या होती है उसका अंश हमें उतार लेना है। तुमको 1 ऐसे लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। अब हर से एलसीएम को हम भाग कर देंगे, हर हमारा कितना है, 3। 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से अधिक ना, 3 × 2 = 6 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी दूसरी परिमेय संख्या का अंश उतार लेंगे और गुणे लगाएंगे। अब इसके हर से हम भाग करेंगे एलसीएम को, 2 × 3 = 6 3 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 को जब 2 से गुणा करेंगे, 1 × 2 प्लस 3 × 3/6, तो इसका मतलब इनको जब जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना आ गया, 5 और 6, तो हमारा ये किसका मान आ गया, एक्स 1/x प्लस 1/y का मान आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।